हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तैयब की तबीयत ख़राब है तो हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं सादिया में, और ये यहाँ से थोड़ा सा मेरा स्कूल दिख रहा था। हम कभी भी इस रोड पे जाते हैं तो अपने स्कूल की साइड ज़रूर देखते हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं जो अटैच हैं उस जगह से। तो वेदर बहुत अच्छा था बाहर का, इतने वक्त गर्मी के बाद आज बाहर निकलने में अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पहले हम लोग उधर से ही जाते थे, लेकिन वो वहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है तो वो रोड बंद है, तो इधर से जा रहे हैं। फिलहाल ये रोड पहले बहुत ही ज़्यादा सुनसान रहती थी, तो यहाँ पे पहले हम लोग स्कूटी सीखा करते थे जो कि सीख नहीं पाए। और फाजीबाद जाने के लिए बहुत से रिक्शे वाले बिल्कुल अग्री नहीं होते, क्योंकि यहाँ और जब भी तो क्रॉसिंग बन जाती है, अक्सर ही ऐसा होता है। कभी कभी बहुत अच्छा लग रहता है तब ये खुली मिलती है, और जब उधर फ्लाईओवर बन रहा है तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आज भी वैसा ही हुआ है। हम फाजीबाद पहुँच चुके हैं और ये है मेरा भांजा अहयान, ये है मिस्टर तैयब, जो कि इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद जब हम लोग गए तो एकदम आके हम लोग के पास बैठ गए और कहने लगे हम बेली चलेंगे। बहुत इनसे छिप छिपा के निकले, उसके बावजूद इनको पता चल गया और ये बहुत बहुत ज़्यादा रोए। बहुत कम टाइम हम लोग वहाँ पे रह पाए, सिर्फ तैयब को देखे हैं और थोड़ी देर में निकल गए, क्योंकि यहाँ घर पर बहुत काम था और भाई जी भी घर पे नहीं थे, इंजल अकेले थे, इसलिए हम लोग को जल्दी आना पड़ा। घर आए हैं हम लोग, उसके थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी थी, और इंजल बारिश में नहाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, फिर हमने उनको बारिश में रख दिया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। जितनी देर बारिश हो रही थी हम बहुत बार चाहें कि इनको हटा लें, लेकिन ये चिल्लाने लगते थे। बारिश के मौसम में हम बनाने जा रहे हैं खीरे की कचौड़ी। मैदे में हमने अजवाइन और रिफाइन डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब थोड़े से आयल में हमने कटा हुआ मिर्च और अदरक लहसुन डाला है, अब इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें कीमे के साथ मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई धनिया ऐड कर रहे हैं। अब ये अच्छे से पक चुका है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं चॉप्ड अनियन और थोड़ा सा धनिया। और इसमें हम लास्ट में डाल रहे हैं थोड़ा सा लेमन जूस। अब जो मैदा हमने पहले नीट करके रखा था उसे हम उसमें से थोड़ा मैदा लेके इसको बेल के इसके अंदर स्टफिंग फिल करके इसको फिर थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे। अब हम इसे रिफाइंड में डीप फ्राई कर रहे हैं। अब ये बनकर रेडी हो चुका है। ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।